अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, चैप्टर टू रोल इन द गवर्नमेंट, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ में आप लोगों ने अभी तक जो है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज के बारे में पढ़ा। गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है और पब्लिक हॉस्पिटल्स वगैरह में, हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह में क्या प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह में क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती है अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। हकीम शेख का जो है केस भी हम लोगों ने पढ़ा कि कोर्ट ने उनके केस को लेकर के क्या कहा था और किस तरीके का एक जो है जजमेंट किया था। सो नाउ प्रॉब्लम्स तो है ही है इस हेल्थ सेक्टर के अंदर, बट अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। व्हाट कैन बी डन, देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। तो ये छोटा सा एक डाउट भी बना हुआ है कि हमारी कंट्री में सभी लोगों का जो हेल्थ है वो इतना अच्छा नहीं है। आप लोग देखा है कि जिन लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता, नॉरिश जो है हेल्थ डाइट नहीं मिल पाती, जहाँ पर लोग स्लम एरियाज़ वगैरह में रहते हैं, जिनके जो है जहाँ पर रेजिडेंट्स वगैरह जो होते हैं, जहाँ उनके घर होते हैं, वो इतने उनकी सराउंडिंग्स इतनी क्लीनिंग नहीं होती, तो उन लोगों के जो है हेल्थ इश्यूज़ मोस्टली बना ही रहता है। तो इसी वजह से जो है हम लोगों का जो है कंट्री में, हमारे इंडिया में जो है लोगों की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती, वो हमेशा जो है किसी ना किसी बीमारी से जो है उनको बीमारी जो है फेस करनी पड़ती है और इलनेस बनी रहती है। इसके अलावा उन लोगों को जो है काफ़ी जो है अपने ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी इतने जो है अलर्ट नहीं होते वो लोग, और बीमारी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इससे जो है हेल्थ इश्यूज़ बना रहता है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ हमेशा उनको बने रहते हैं। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द सिटीजन। तो अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारी गवर्नमेंट की है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज को जो है सभी को इक्वली दे, चाहे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले हों, चाहे वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले हों। पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों को भी वैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसा कि किसी रिच फैमिली से मनी स्पेंड करने वाले को मिलता है। और इसकी जो है सभी जो है अरेंजमेंट्स है, सभी मैनेजमेंट्स किसको करने होंगे, गवर्नमेंट को करने होंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसकी है, गवर्नमेंट की है। स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है पुअर और डिसएडवांटेज जो लोग हैं, जिन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पाता, उन लोगों के लिए तो कम से कम उनको ठीक तरीके से अरेंजमेंट्स करने ही होंगे हेल्थ केयर सेंटर्स में। हाउ एवर हेल्थ इज़ एज द मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक अमेनिटीज एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल। अब ये जो है चाहे मतलब उनकी जो है इस पर डिपेंड करते हों कि उनकी बेसिक जो है ज़रूरतें क्या है, और इसके अलावा उनके सोशल कंडीशन वगैरह भी क्या है लोगों की। बाय द वे, जैसे कि अगर कुछ लोग जो हैं इस तरह से अपनी मनी स्पेंड नहीं कर पाते ट्रीटमेंट के ऊपर, जैसे कि जो है किसी रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग अपने ट्रीटमेंट पर एक्सपेंस कर लेते हैं, तो भी मतलब जो है यहाँ पर हम लोगों को किसी ना किसी तरीके से उन लोगों की प्रॉब्लम्स को तो दूर करना ही होगा। एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, हैंज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ अवर पीपल एंड दिस कैन बी डन, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो है इसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है कि मतलब हम लोग जो है हेल्थ सिचुएशन जो है हमारे यहाँ के लोगों की इम्प्रूव भी करें। इसके अलावा अगर उनकी हेल्थ सिचुएशन किस तरह से इम्प्रूव होगी, जब उन लोगों का जो है लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि अगर उनकी लाइफ के अंदर और अदर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और उन लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट इस तरीके के अच्छे से एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, एजुकेशन के मामले में भी वो अगर थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो उन लोग अपनी हेल्थ जो है उनकी सिचुएशन हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इन एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि दूसरी अदर स्टेट्स में और अदर कंट्रीज़ के अंदर हेल्थ सर्विसेज को लेकर के और उनकी इम्प्रूवमेंट को लेकर के वहाँ की गवर्नमेंट्स ने क्या किया है, ताकि अदर स्टेट्स की गवर्नमेंट्स और हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको फॉलो करके कुछ प्रॉब्लम्स तो एक लिमिटेशन तक दूर कर सकती है। आप लोग देख रहे हैं इस मैप के अंदर, आप लोग देखिए लास्ट में साउथ में जो है ये तमिलनाडु के पास एक छोटा सा पार्ट है, ये केरल है। केरल जो हमारे यहाँ के इंडिया का एक स्टेट है जो कि काफ़ी अपनी एजुकेशन के मामले में और अदर उसके अंदर काफ़ी रिच है। अब केरल का क्या एक्सपीरियंस रहा है हम लोग इसको पढ़ते हैं।
द केरल केरला एक्सपीरियंस इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। 1996 में केरला की जो गवर्नमेंट है उसने मेजर चेंज काफ़ी बड़े चेंजेस किए थे, काफ़ी जो है बदलाव किए थे। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू द पंचायत, यानी कि उसने अपने 100% जो उन लोगों को बजट मिलता है केरल की गवर्नमेंट को, उसमें से उन्होंने 40% जो है अपना जो बजट जो था वो पंचायत जो होती है वहाँ के पंचायती राज जो होते हैं उनको दे दिया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर फूड वुमेंस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और जहाँ पर भी उन लोगों को लगता था कि ये लोग ऐसे प्लान कर सकेंगे, ऐसी रिक्वायरमेंट्स को जो है प्रोवाइड करवा सकेंगे जहाँ पर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि गाँव के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से मतलब पानी वाटर फूड वुमेंस के जो डेवलपमेंट्स और एजुकेशन के ऊपर वो लोग जो है इसको खर्च कर सकेंगे और उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होगी कि वो इस सभी सेक्टर्स के अंदर सभी जो है इन चीज़ों पे किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड, यानी इसका मतलब ये था कि वाटर सप्लाई की जो स्कीम्स वगैरह थी उसको चेक किया जाएगा और इसको मतलब जो है उन्होंने किया भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है सिर्फ प्लानिंग ही थी, ये सब कुछ उन्होंने किया है और इस तरीके से ही उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, डेवलपमेंट किया है अपने स्टेट में। द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी वॉज इंश्योर्ड, द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप, और स्कूल्स की और आंगनवाड़ीज जो होते हैं नर्सिंग स्कूल्स छोटे बच्चों के जो स्कूल होते हैं उनको आंगनवाड़ी बोलते हैं, जैसे हमारी नर्सरी के जी प्रेप होता है उनको जो है वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आंगनवाड़ी बोला जाता है। उन स्कूल्स के जो है स्पेसिफिक जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको, जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती थी गाँव वगैरह ने उनको सबसे पहले लिया कि स्कूल्स में और आंगनवाड़ी में होने वाली क्या प्रॉब्लम्स हैं। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव, हेल्थ सेंटर्स भी जो थे इम्प्रूव किए गए थे, उनके अंदर भी जो सभी तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह और क्वालिफाइड डॉक्टर्स वगैरह की जो भी कमी थी उसको दूर किया गया था। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और इन सभी ने मिलकर के जो है ये हेल्प की थी और वहाँ की सिचुएशन को चेंज किया था। डिस्पाइट दिस एफर्ट्स हाउएवर सम प्रॉब्लम्स, इसके अलावा जो थी जो कुछ प्रॉब्लम्स भी उन लोगों को फेस करनी पड़ी, सच एज द शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशियंट हॉस्पिटल्स बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन्ड एंड दीज नीडेड टू बी एडजस्टेड, और ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जैसे कि मेडिसिन की शॉर्टेज, दवाइयों की कमी और हॉस्पिटल्स में जो बेड्स होते हैं उनका वो भी सफिशियंट्स नहीं थे। इसके अलावा जो डॉक्टर्स भी जो थे, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स वगैरह भी थे, वो उन लोगों को भी जो है वहाँ पर शिफ्ट करना या उन लोगों को अपॉइंटमेंट करना भी उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम थी। तो ये सभी चीज़ें भी उनकी जो ज़रूरतें जो थी उनको उनकी उनको भी महसूस किया गया और उनको भी दूर करने की कोशिश की गई। आप लोग जो हैं फोर मोर डिटेल पर जाकर के आप इसके ऊपर जाकर लिंक कर सकते हैं गूगल के ऊपर और पता लगा सकते हैं कि केरला की गवर्नमेंट ने अपने हेल्थ सेक्टर्स में और अपने यहाँ के स्टेट्स की इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए क्या किया। लेट अस लुक एन एग्जांपल ऑफ अनदर कंट्री एंड इट्स अप्रोच टू इश्यू ऑफ हेल्थ, हम एक और कंट्री का जो है एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ये एक और कंट्री जो है उसका उससे रिलेटेड है, द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका इज़ द कंसिडर टू बी वन ऑफ द हेल्थिस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका के अंदर कोस्टा रिका करके एक जो है कंट्री है जो कि हमारे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सभी कंट्रीज़ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हेल्थिस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग स्वस्थ हैं। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग देख सकते हैं कि इसका मेन रीज़न जो है ये कोस्टा रिकन का जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलेगा आप लोगों को। सेवरल ईयर अगोज कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइड नॉट टू हैव एनी आर्मी, तो बहुत सालों पहले जो है कोस्टा रिका जो कंट्री है उसने जो है एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट एक डिसीज़न लिया और ये डिसाइड किया कि उनकी जो है कंट्री के अंदर जो है किसी तरह की कोई आर्मी नहीं होगी, बिकॉज आर्मी है डिफेंस को लेकर के बहुत सारा पैसा, जो सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा जो है रिसोर्सेज जो है आर्मी के ऊपर ही खर्च किए जाते हैं। तो इन्होंने ये फैसला लिया था कि ये किसी तरह की कोई आर्मी वगैरह जो है नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द कोस्टा रिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज, तो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने क्या किया था कि सभी जो पैसा था वो
आर्मी के ऊपर खर्च करने की बजाय दूसरी जगह के ऊपर खर्च किया था, ऑन हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के ऊपर। मेन जो था उनको, उन्होंने किसके ऊपर खर्च किया इसको, स्वास्थ्य के ऊपर यानी हेल्थ के ऊपर खर्च किया। यानी कि आर्मी को मतलब जो है उन्होंने पैसा नहीं दे करके, हेल्प नहीं दे करके, हेल्थ सेक्टर्स के अंदर हेल्प दी अपनी मनी से, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। और इसके अलावा हेल्थ के अलावा एजुकेशन के ऊपर और बेसिक नीड्स जो होती हैं लोगों की, वहाँ के सिटीजन्स की, उसके ऊपर उन्होंने अपनी मनी को खर्च किया। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। तो जो कोस्टा रिका गवर्नमेंट जो थी वो उस पर बिलीव करती थी कि उसकी अगर सिटीजन्स जो है हेल्दी होंगे तो वो लोग खुद ब खुद ही डेवलपमेंट कर लेंगे और बहुत सारा जो है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर लोगों को मतलब जो है डेवलपमेंट करना है किसी कंट्री को तो उनका हेल्दी होना ज़रूरी है। और इसी तरह से जो हमारी कंट्री जो है डेवलपमेंट करती है, लोग अगर अच्छे होंगे और उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, वो फिट होंगे, एक्टिव होंगे और उनको किसी तरह का मेंटली स्ट्रेन वगैरह नहीं होगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और अपनी कंट्री को खुद ब खुद ही डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे। इसीलिए जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है लोगों की हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विस एंड अमेनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन। फॉर एग्जांपल, इट्स प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। हेल्थ एजुकेशन इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। तो इन लोगों ने जो है सभी उन चीज़ें ऐसी इस तरह की प्रोवाइड करवाई गई कोस्टा रिका कंट्री के अंदर, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, स्वास्थ्य संबंधित और उन लोगों की न्यूट्रिशन यानी हेल्दी डाइट, सभी लोगों के लिए हेल्दी डाइट, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, और हाउसिंग वगैरह से रिलेटेड अच्छे घर उन लोगों को देना, उनका लिवलीहुड वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से बनाए रखना। और इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन को भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंसिडर किया था और इसका नॉलेज जो है सभी को मतलब हो, इससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी काम किया था और एजुकेशन लेवल्स के ऊपर भी उन्होंने बहुत काम किया है। इसी वजह से जो कंट्री है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। और अगर जिस कंट्री के लोग अगर हेल्दी होंगे, एक्टिव होंगे और अच्छी तरह से वर्क कर पाएंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो वो कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप करेगी। बट हमारे इंडिया में उल्टा ही है कि यहाँ के लोगों का जो है हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है और ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं। आप लोग किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, एनी टाइम आप लोगों को बहुत सारे सैकड़ों लोगों की है भीड़ आप लोगों को एक हॉस्पिटल में मिलेगी, और बेड की कमी, डॉक्टर्स की कमी, इन सभी को हम लोगों को फेस करना पड़ता है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो जो है केरल से और कोस्टा रिका जो है उससे थोड़ा सा जो है उनके एक्सपीरियंस को भी मतलब जो है अपने यहाँ के लोगों के साथ शेयर करें और वहाँ की फैसिलिटीज़ बना के रखें। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अभी यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है और हम लोग जो है नेक्स्ट जो है चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स ये पढ़ेंगे। अभी हॉलीडे, विंटर हॉलीडेज आज से स्टार्ट होने वाले हैं आप लोगों के, तो आप लोग जो हैं अपना सभी पेंडिंग वर्क, होमवर्क, वर्क बुक वगैरह को जो है कंप्लीट करिए और इसको नोटबुक में करिए। होमवर्क जो मैं आप लोगों को पीडीएफ से दे रही हूँ वो आप लोगों को होमवर्क नोटबुक में करना है, और जो वर्कबुक आप लोगों को दी जाएगी सिमिलर सोशल साइंस की, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वाले नोटबुक के अंदर वर्कबुक का काम आप लोगों को वर्कबुक के A4 साइज पेपर में करना है। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड सेंड योर मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 7976832500। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।